सीमा सहस्त्र बल के जवान प्रधान गुजर की निर्मम हत्या करने वाले हत्यारे गिरफ्तार। दिनांक 11 सितंबर को सुबह तिलोनिया तालाब के पास बोलेरो गाड़ी में पड़ी मिली थी जवान की लाश। भतीजे ने दो दोस्तों के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। तीनों को ही तो उन तीनों ने मिल करके, क्योंकि उसके शराब का सेवन किया हुआ था, उचित समय दे करके उनके पास में हथियार थे, डंडा था, मोटा डंडा, बेसबॉल का डंडा था। सबसे पहले उस बेसबॉल के डंडे से उसके ऊपर चोट पहुंचाई गई, उसके बाद में धारदार हथियार, चाकू वगैरह के रूप में ऐसे शस्त्र थे, उसके ऊपर गिरने के बाद में उसके हथियार से उसके चोटें पहुंचाई गई। काफ़ी मारपीट चोटें पहुंचाने के बाद में उसको उसी अपनी गाड़ी के पीछे डिक्की में बॉडी को डाल करके वापस हरमाड़ा रोड होते हुए तिलोनिया की तरफ आते हैं। तिलोनिया में वापस निकलते हैं, आगे तिलोनिया से निकलने की कोशिश करते हैं, किंतु बीच रास्ते के अंदर पानी भरा हुआ था। गांव के तालाब के पास में पानी भरा हुआ होने के कारण रास्ता खराब था, गाड़ी उनसे निकल नहीं पाई, गाड़ी फंस गई तो उन्होंने ये सोचा कि अब इसको यहीं पटक करके जाएं। फिर उस बॉडी को, उस गाड़ी को वहीं छोड़ करके और वो वहाँ से तिलोनिया से होते हुए रेल पटरियों से होते होते हुए नरेना जाते हैं। नरेना के बाद में वो दूदू जाते हैं, दूदू से वो फिर चारों ही, एक जयपुर निकल जाता है, दो वापस अपने गांव की तरफ आ जाते हैं। हमने सुबह से ये देखा कि इसका गांव से, माला गांव से रवाना होने के बाद में किशनगढ़ आई है, किशनगढ़ से ये बीच में रुके हैं, उसके बाद में अजमेर आए हैं, अजमेर के बाद में ये दरगाह गए हैं, पुष्कर गए हैं, वापस अपने भतीजे से मिले हैं। इन सभी सूचनाओं का संकलन किया तो मोटे तौर पर ये तय हो गया कि ये तीनों ही साथी उसके दो शुरू में थे, वो आखिर तक उसके साथ तक रहे हैं। मोटे तौर पर जो अभी तक हमारे सामने तफ्तीश में जो विषय आया है, वो जो एक आरोपी है उनकी पत्नी से उसके प्रेम प्रसंग के संबंधों को लेकर के लंबे समय से उसके दिल दिमाग के अंदर ये रंजिश थी कि किसी भी सूरत में इसका सफाया करना, इसका बदला लेना, इसको यहाँ से हटाना है। चूंकि ये 10-11 रोज पहले छुट्टी पर आया था और इसने इससे वापस दोस्ती करके ये सोचा कि किस तरीके से प्लान बनाया तीनों ने आपस में मिल बैठ करके, और इसको इस पूरे सीन से हटाने के लिए इन्होंने इस प्रकार का कृत्य करके अंजाम दिया है घटना को। ये तीनों ही है, एक तो इसके गांव का है राजा राम है, एक दूसरा और रामावतार है, एक तीसरा हनुमान है। ये सभी इस राजू के सभी मित्र हैं, दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं। तो इन तीनों ने आपस में राजू के कहने से ये योजना बनाई कि इसको किस तरीके से इसको इस काम से हटाना है, अलग करना है, और ये तीनों ही शामिल होकर के इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक हथियारों से, धारदार हथियारों से निर्मम हत्या की है। ये तीनों ही आरोपी है इसके, और तीनों ही आज पुलिस की पकड़ में, हमारे गिरफ्तारी में है। इनसे विभिन्न विषयों को लेकर, बरामदगी को लेकर तफ्तीश